तो समझिए आपकी बाढ़ और बारिश के संकट से देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। अब देश के कुछ और इलाकों का हाल दिखाते हैं जहां पानी से परेशानी बहुत ज्यादा है। बिहार के मधेपुरा में कोसी का कोप अब दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। न तो सरकारी इमारतें सुरक्षित हैं, न ही गांव वाले। किसानों का हाल तो पूछिए मत। हजारों एकड़ धान की फसल सैलाब की भेंट चढ़ चुकी है। इस छोर से उस छोर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जितने बाढ़ पीड़ित हैं, उससे कई गुना है पीड़ा, क्योंकि सुधी लेने वाला कोई नहीं है। सहारा सरकार का होना चाहिए, लेकिन सैलाब संकट से घिरे इन लोगों का एक ही सहारा है, ऊपर वाला। कमर तक पानी में निकलना मजबूरी है और ये हाल 6 पंचायतों का है। बाढ़ से तो जितना धान लगा था, ये सब सारे किसान का जो खर्च हुआ ये तो बर्बाद हो ही गया हजारों। और ये फलोत के रकबा में जितना भी एकर आए ये सारा नष्ट हो गया। उसके लिए यहाँ से फलोत मुख्यालय जाने के लिए कोई मुख्य कार्य नहीं है और कोई आवागमन अवगत भी नहीं करा गया है। पांच, चार, तीन, दो, एक, धड़ाम। जयपुर के कल्याण जी इलाके में एक 3 मंजिला मकान कुछ यूं मिट्टी में मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि न तो बारिश हो रही है और न ही इलाके में सैलाब संकट के लक्षण दिख रहे हैं। तो फिर मकान के यूं जमींदोज हो जाने का फ्लड अटैक से क्या रिश्ता है? रिश्ता है, क्योंकि बारिश की वजह से ही ये 3 मंजिला मकान इतना कमजोर हो चुका था कि इसमें रहने का मतलब मौत के साए में जीना था। इसलिए समय रहते नगर निगम ने एक्शन लिया, घर में रह रहे लोगों को सलामत बाहर निकाला और फिर घर को इस तरह से गिराया कि अगल बगल की बिल्डिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। पंद्रह अगस्त का दिन स्कूली छात्रों के लिए और भी स्पेशल होता है। उस दिन उनका जोश भी हाई होता है और स्कूलों में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों के लिए वो तैयारियां भी जमकर करते हैं। अगर स्कूल ही बाढ़ से घिरा हो तो फिर वहां प्रोग्राम नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तस्वीरें राजस्थान के 12 की हैं। इन छात्रों के अलावा पुलिस को कई गांव वालों का भी रेस्क्यू करना पड़ा। दिन हो या रात, पुलिस टीम जगह जगह प्राण रक्षक बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आइए मध्य प्रदेश के मुरैना का जिक्र करते हैं। कुंवारी नदी है, इसने तबाही मचा रखी है। नदी उफान पर है और बमसोली बातेंट ये जगह का नाम है। इसी के बीच पर बने रपटे पर 1.5 से 2 फीट पानी बह रहा है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इसी रपटे को पार कर रहे हैं। नदी के सैलाब की वजह से 10 से 15 गाँव का आपस में संपर्क टूटा हुआ है और नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा आने वाले वक्त की और परेशानियों के संकेत हैं। यानी कुल मिलाकर के कल भी परेशान थे, आज भी घुटने भर पानी में चल रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए भी कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हाल है मध्य प्रदेश का। आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश में ये कंडीशन है कि 10 से 15 गांवों का संपर्क टूट गया है। गांवों का जीवन ऐसा है कि एक दूसरे के साथ गांवों का संपर्क रहता है, रोजी रोटी से जुड़ी तमाम चीज़ें रहती हैं, लेकिन अब ये सब कुछ इसी तरीके से निभाया जा सकता है घुटने भर पानी और तेज़ बहाव के बीच में, जो कि बहुत खतरनाक है। अभी हमने आपको दिखाया ना किस तरीके से अचानक पानी बहा राजस्थान के बूंदी में। यहाँ पर भी अगर ये पानी एकाएक बहुत तेज़ी से आ जाए तो इन लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन करें भी तो क्या, 1-2 दिन की बारिश तो है नहीं, यही कंडीशन लगातार बनी हुई है। ABP News आपको रखे आगे।